नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बागपत जनपद के निवाड़ा चेक पोस्ट के पास, जहां पर शिकायत मिल रही थी कि निवाड़ा चेक पोस्ट के पास जिला पंचायत के नाम से कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं और अवैध वसूली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो यहां पर छप्पर डाला हुआ है, यह जिला पंचायत के नाम से कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे जो इस रास्ते पर आने वाले रोडी डस्ट या पशुओं की गाड़ियों से अवैध वसूली किया करते थे और उनका कहना था कि उन्हें जिला पंचायत से ठेका मिला हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, जिला पंचायत से कोई ठेका जारी नहीं किया गया था। पुलिस को आज जिस तरह से सूचना मिली, कुछ लोगों की शिकायत मिली, पुलिस ने आते ही यहां पर जिस तरह छापेमारी की, पुलिस को देखते ही यहां जो लोग अवैध वसूली में जुटे हुए थे वहां से भाग निकले। पुलिस हालांकि उनकी पहचान करने में जुटी है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। यहाँ पर जो सामान था पुलिस ने कुछ जब्त किया है, कुछ वो लोग अपना उठा कर लेकर भाग चुके हैं यहाँ से। बता दें कि निवाड़ा चेक पोस्ट के पास यहाँ पर यह अवैध वसूली का कार्य चलता था। हरियाणा और यूपी बॉर्डर की यह पुलिस चौकी है जहाँ पर ये लोग बैठते थे और इस हाईवे पर बैठ कर यहाँ पर वसूली क्या करते थे। जैसे ही पुलिस को इनको सूचना मिलती है, पुलिस यहाँ पर छापेमारी के लिए पहुँचते हैं। अभी हम लाइव दिखाएंगे, पुलिस अभी और भी कार्रवाई करने में जुटी है। यहाँ पर जेसीबी मशीन आई है इसे तुरंत हटाने के लिए। योगी राज में पुलिस जिस तरह से सक्रिय हुई है, यहाँ पर उन्होंने अवैध वसूली करने वालों पर तुरंत कार्रवाई किया जैसे ही शिकायत मिली है। निवाड़ा पुलिस चेक पोस्ट पर यह कार्य चल रहा है। पुलिस को आज सुबह सूचना मिली थी कि कुछ लोग जिला पंचायत के नाम से यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर अवैध वसूली कर रहे हैं। पुलिस जैसे ही यहाँ पहुँचती है, उनको देखते ही तुरंत वसूली करने वाले लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। यहाँ पर पुलिस अपने कार्य में जुटी हुई है और जो वसूली करने वाले लोग भाग चुके हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस निवाड़ा गांव में दबिश देने के लिए भी गई है ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह प्रशासन की मिली भगत से चल रहा था, लेकिन जिस तरह से आज शिकायत की गई उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, उससे लगता है कि योगी राज में पुलिस सक्रिय है और अपने काम को अंजाम देने जुटी हुई है।